अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे पीटर पैन कॉलर बनाने का तरीका शेयर करूँगी। ये यहाँ से बॉडी की चौड़ाई जो है वो मैंने 2.25 ली है। ये 2.25 पे मैं निशान लगा दूँगी और यहाँ से लंबाई भी मैं 2 इंच की जो है वो लगा दूँगी नीचे। और उसके बाद इस तरह से इसकी गोलाई करके इसके यहाँ से कटिंग कर दूँगी। ये हमारा बॉडी का अगला वाला पार्ट है। ये बॉडी की बैक साइड है। इसका मैं तकरीबन 2.25 इसकी चौड़ाई रखूँगी और 1.5 इंच इसकी लंबाई लूँगी और इस तरह से इसकी गोलाई करके इसकी भी यहाँ से कटिंग कर दूँगी। ये बैक पट्टी बनाने के लिए तकरीबन यहाँ से मैं 2 इंच के फासले पे निशान लगा कर यहाँ से इस तरह से कट कर लूँगी बैक साइड। ये मेरे पास 4 पार्ट्स में जो है वो कपड़ा है, इसका मैं कलर बनाऊँगी। अब ये बॉडी के फ्रंट साइड में इस तरह से यहाँ से रखूँगी और जो इसकी जो नेक साइड है इसकी वहाँ पे ऊपर ऊपर मैं इसके निशान लगा दूँगी इस तरह से। इसी तरह से मैं बैक साइड बॉडी की रखूँगी और उसके नेक वाली साइड से मैं इस तरह से इसके निशान लगा दूँगी। ये तकरीबन कपड़ा जो है वो मेरे पास 2.5 इंच है और उस हिसाब से मैं इसका जो है वो कॉलर बना लूँगी। 2.5 इंच जो कि मेरे पास चौड़ाई है तो मैं 2.25 पे यहाँ पे इस तरह से इसके सर्कल में निशान लगाती जाऊँगी इस तरह से। और फिर उसके बाद इसकी मैं दोनों साइड से जो कटिंग कर लूँगी। ये इसके जो कॉर्नर्स है यहाँ से भी इसकी गोलाई कर लेंगे इस तरह से और ये हमारे जो कॉलर जो है वो इस तरह से रेडी है। ये अंदर कॉलर के जो है वो पाइपिंग के लिए मैं ये कपड़ा जो है वो काट रही हूँ। ये मुझे थोड़ा लग रहा है तो मैं यहाँ से एक्स्ट्रा थोड़ा सा लेकर तो यहाँ इसका जो है उसको ज्वाइन कर लूँगी। ये बैक साइड की जो है वो पट्टी है मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी जो हमने कट लगाया था बैक साइड पे। इस तरह से आपने पट्टी लेनी है और उसकी पैर की रख के पहले इस तरह से आपने सिंगल सिलाई लगा लेनी है। एक साइड से लगा के इसके उसका दूसरा रुख जो है बिल्कुल इस तरह से साइड पे कर देना। अब इसको अंदर वाली साइड पे इस तरह से टर्न करके इसकी डबल सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। ये मैं शोल्डर्स पे जो है वो ऊपर इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। ये है मेरे पास बेबी कॉलर है। ये 2 साइड्स हैं इसकी, एक सिंपल है और एक दूसरा जो हमारा बॉडी पार्ट है उसकी उसका कपड़ा है। अब जो सिंगल मेरे पास सिंपल कपड़ा है उसके ऊपर जो है मैंने लेस लगानी है तो इस तरह से मैं एहतियात से रखते हुए इसकी साइड्स पे जो है वो पहले लेस लगा लूँगी। ये आप लोग पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग की मर्ज़ी है, आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं वरना वैसे भी इसकी डबल स्टिचिंग होके जो है वो इसको हम सीधा करके जो है हमारा कॉलर जो है वो रेडी हो जाता है।
ये सिंगल साइड पे अंदर वाली साइड पे जो है वो लेस लग गई है। मैं इस तरह से ऊपर वाली साइड पे इस पर कपड़ा रखूँगी और यहाँ से मैं स्टिचिंग नहीं करूँगी बल्कि उसकी बैक साइड से ही जहाँ पे हमने सिलाई इसको किया था, जहाँ जहाँ हमने स्टिचिंग की हुई थी उसी के ऊपर ऊपर मैं एक और इस तरह से अब दोनों कपड़ों को डबल करके तो ऊपर से इसकी स्टिचिंग कर दूँगी। फिर इस तरह से ये होता है कि सिलाई एग्जैक्ट उसके ऊपर आती है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये स्टिचिंग के बाद मैं अंदर वाली साइड पे छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी ताकि इसको सीधा करते हुए जो है मुश्किल नहीं हो। ये हमारे पीटर पैन कॉलर जो है वो रेडी है। अब इसको हम बॉडी के साथ अटैच करेंगे नेक वाली साइड पे। उससे पहले मैं निडल की मदद से इसको यहाँ से कच्चा कर लूँगी। ये कच्चा मैं कर चुकी हूँ और जो गले के लिए मगजी मैंने काटी थी ये अब मैं अंदर वाली साइड पे कॉलर की जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे इसको इस तरह से डबल रख के इसकी पैर की रख के सिलाई कर लूँगी इसको। और यहाँ से मैं जितना एक्स्ट्रा कट करके तो उसको अंदर वाली साइड पे थोड़ा सा फोल्ड करूँगी और यहाँ से इसका एंड हो जाएगा बिल्कुल। और ये तकरीबन जो है वो तैयार है। इसके मैं कट्स लगा लूँगी, उसके बाद ये मैं अंदर वाली साइड पे करके मगजी को उसकी डबल सिलाई कर लूँगी और ये हमारा कॉलर जो है वो रेडी है। इस तरह से अंदर वाली साइड पे करते जाएँ और इसकी डबल सिलाई इस तरह से करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।